अस्सलाम वालेकुम जी, आज का जो मेरा टॉपिक है इट इज़ अबाउट दी चेक टैम्परिंग स्कीम। इसमें होता क्या है कि आप फ्रॉडुलेंट डिस्बर्समेंट स्कीम में चले जाते हो, जैसे कि आप एक फॉल्स इनवॉइस जनरेट करते हो और आप जो है विक्टम आपका जो है जैसे कंपनी, कोई बैंक, कोई एनी ऑर्गेनाइजेशन और प्रोवाइडर, आप जो है उनको कहते हो कि आपको इस फॉल्स इनवॉइस में पेमेंट चाहिए। यूजुअली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो पेमेंट करती है वाया चेक, और रेयर केसेस में होते हैं कि छोटी पेमेंट होती हैं कि आप जो है वो कैश वगैरह में पेमेंट करते हो। मगर यहाँ पे जो ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो इन्वॉल्व होते हैं, बड़ी बड़ी जो आपकी फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्वमेंट होती है, वो वाया चेक होती है। अब ये होता कैसे है? इसमें ये होता है कि एक्चुअली जो पर्सन होता है जो इन्वॉल्व होता है फ्रॉडुलेंट एक्ट में, उसके पास एक्सेस होता है, जैसे कि उसके पास एक्सेस टू चेकबुक होता है या बैंक स्टेटमेंट ऑफ दी कंपनी होती है, या उसके पास एबिलिटी होती है कि किसी भी पर्सन की सिग्नेचर फोर्ज कैसे की जाए। चेक टेम्परिंग स्कीम की चार कैटेगरीज होती हैं। एक होती है फोर्ज मेकर या मेकिंग स्कीम, मतलब कि इसमें आप जाली सिग्नेचर कर लेते हो आप इसमें, या फोर्ज इंडोर्समेंट स्कीम। थर्ड होती है अल्टर्ड पेई स्कीम, मतलब कि आप जो है डेस्टिनेशन या पेई का नाम जो है वो चेंज कर लेते हो। और जो लास्ट होता है अथोराइज मेकिंग स्कीम, मतलब कि इसमें ये होता है कि जो अथोराइज पर्सन होता है उसको क्या करता है कि आपसे चेक ले लेता है और वो उस पे जो है पेई टू हिमसेल्फ, मतलब कि उसके बाद चेक बुक पड़ी होती है, वो उस पे चेक पे अपना नाम लिखता है या कोई एज जहाँ पे पेमेंट करनी होती है उसको वहाँ पे पेई पे लिख देता है, और वो अथोराइज होता है एक्चुअली, तो वो अथोराइज सिग्नेचर करके वो अपनी पेमेंट्स वगैरह वहाँ से निकाल लेता है। चेक टेम्परिंग स्कीम की जो पहली कैटेगरी है वो है फोर्ज मेकर स्कीम। इस पे मैं ज़्यादा आपको डिटेल में बताऊँगा कि इसमें होता क्या है। फोर्ज मेकिंग स्कीम में ये होता यह है कि आप जो है जो जाली सिग्नेचर जिसे हम कहते हैं फोर्जरी जो होती है उस पे आप बंदे की जहाँ पे सिग्नेचर होती है वो आपका एबिलिटी होती है उसमें कि आप जो है वो फोर्ज कर सकते हो। अब काफ़ी ऐसे केसेस होते हैं कि आपका फोर्जरी इतनी एक्यूरेट नहीं होती, मगर आपका वो चेक जो है बाईपास हो जाता है और आपको पेमेंट मिल जाती है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है कि आप जो है इन्फ्लुएंशियल पर्सन होते हो, जैसे कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल हो या तो आपके ताल्लुकात अच्छे हों बैंक के साथ। यूजुअली यही होता है कि आप अच्छे बड़े क्लाइंट होते हो बैंक के, और जो मैनेजर होता है आपके साथ अच्छी डीलिंग होती है उनके पास, आप जो है उनको चेक दे देते हो, आंखें बंद करके वो आपकी पेमेंट देता जाता है। बेसिकली यहाँ पे जो मेजर जो चीज़ आ जाती है वो नोटेड ये होती है कि जो जिस पर्सन के पास अथॉरिटी होती है, अब अथॉरिटी आप डेलीगेट कर लेते हो कंपनी में, जैसे होते हैं आपके अकाउंट्स पेबल क्लर्क्स होते हैं, ऑफिस मैनेजर होते हैं, आपकी मैनेजमेंट होती है, या आपकी टॉप पोजीशन पे कुछ बंदे होते हैं जो ये अथोराइज होते हैं कि वो चेकबुक पे साइन करके अपनी मनमाही पेमेंट निकाल लें। अब यहाँ पे मैंने जैसे पहले डिस्कस किया कि आप इन्फ्लुएंशियल होते हो ज़्यादा, मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी मतलब के फ्रेंड्स से, दोस्तों से या पर्सनल लाइफ में जो है केसेस सुने थे वो मैं डिस्कस करूँगा कि जैसे कि मेरा दोस्त है, वो अक्सर बताया जाता है कि छोटी मोटी कंपनियाँ होती हैं तो उनकी मतलब कि ये फिज़िकली आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में इतनी नहीं होगी, मगर उनकी पेमेंट कैश में या बैंक की ट्रांजेक्शन अच्छी खासी होती हैं। ज़्यादातर जो आपके ट्रेडर्स होते हैं वो क्या होता है कि आप जो हैं बैंक के अच्छे क्लाइंट होते हो आप, ठीक है, आप जो है चेक जो है निकालते जाते हो और पेमेंट लेते जाते हो। अब आपके पीछे दूसरा बंदा भी होगा, आप तो अपना नाम नहीं दिखा रहे कि भाई मैं जो है फलाना एक्स वाई जेड हूँ और जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ या पेमेंट निकालना चाह रहा हूँ वो अपने अकाउंट से निकालो, नहीं, मगर आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं बीच में उनके बैंक अकाउंट भी आप यूज़ करते हो। तो इस पर आप क्या करते हो कि आप उनके जो है बैंक से कह के आप चेकबुक जो है मंगाते रहते हो आप अपने पास, जो ख़त्म हो जाती है फिर मंगाते रहते हो, और आप फोर्जरी जो सिग्नेचर होती है एक बार कर ली आपने दूसरी बार, फिर तो बाद में आपको ग्रिप आ जाती है सिग्नेचर पे, मगर स्टार्टिंग में जो आप सिग्नेचर करना शुरू कर देते हो आपको जो अगर जो बंदा अगर कोई न्यूट्रल बंदा हो वो देख लेगा कि भाई जो इनकी सिग्नेचर है वो एक्चुअल में जो इतनी
जो इसमें पैस होता है या रवानी जो कहते हैं आप सिग्नेचर में, वो नज़र आपको नहीं आती, वो इसमें थोड़ी जो है जो हिचकिचाहट जैसे आप बंदा सिग्नेचर करे डर डर के करे तो वो आपको नज़र आ जाती है। वो कैसे होती है, अक्सर के आप जो है वो फोर्स करते हो सिग्नेचर, मगर आपका ताल्लुकात अच्छे होते हैं बैंक से तो आप जो है वो चेक जो है डिस्बर्स करा लेते हो आराम से। और दूसरा केस जो मैंने अपने देखा था कि एक मेरा दोस्त था वो भी इसी केसेस में फंसा था कि उनकी बैंक का नाम नहीं लूँगा मैं, वो भी इसी केस में फंसा था कि उनके चेक जो है फोर्ज होते थे और ये गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह उनको मिलते थे, तो वो सिग्नेचर करके एक इन्फॉर्मेशन बंदा था पॉलिटिकल, वो साइन करके वो वहाँ से निकाल देता था और नाम मेरे दोस्त का यूज़ होता था। और अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैं इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता हूँ, तो उस पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दो केसेस मैंने ऐसे देखे थे, एक्चुअली चेक टेम्परिंग के नहीं थे मगर ये फ्रॉडुलेंट डिस्बर्समेंट के रिलेटेड केसेस थे। जैसे कि एक केस ये हुआ था कि आप जो हैं चेक जो है जहाँ पे पेई का नाम होता है वो सही लिखते हैं, मगर आपको एज अ प्रूफ चाहिए होता है बाद में आपको चेक करने के लिए कि वाकई में एक्स वाई जेड पेमेंट जो है राइट पर्सन को गई है। मगर वो क्या होता था कि ये जो कॉपीज़ बनाते थे चेक की उस पर जो है स्कैन करके फिर वो नाम चेंज करके फिर वो आपको दिखाते थे कि भाई एक्स वाई जेड को जो चेक गई है फोटोकॉपी, मतलब क्या बताती थी एक्स वाई जेड पर्सन को जो चेक की कॉपी गई है वो ये गई है। अब आप इसमें क्या कर सकते हो कि आपने देख लिया कॉपी सही है मगर एक्चुअल बीच में पीछे काम हो गया जो आपको तो पता ही नहीं होता कि बैंक के पास जो चेक गया था वो पे ही क्या था, क्योंकि आपके पास बैंक का लेजर नहीं होता या ज़्यादातर आपके पास स्टेटमेंट बैंक की होती है और चेक नंबर आप उसमें वेरीफाई करते हो और पेमेंट देखते हो कि भाई एक्स वाई जेड को ये पेमेंट गई है। ये एक सोफिस्टिकेटेड एक जो फॉर्जरी या फ्रॉडुलेंट एक्ट है जो अक्सर जो है ये होता है इसमें फेडरल डिस्बर्समेंट ऑफ द चेक में जी। उसके बाद फिर आपके पास ऑडिट आता है या एसएससी का इंस्पेक्शन वगैरह आता है, उसमें भी आप जो है उनको कॉपीज दिखाते हो, बैंक स्टेटमेंट दिखाते हो, प्रूफ दिखाते हो, मगर जो एक्चुअल पेमेंट गई है उनके पास जो है वो तब दिखाई जाएगा जब आपको शक व शुबा होगा, फिर जाके आप बैंक से इंक्वायरी करेंगे। ज़्यादातर राइट्स जो है एसएससी के पास होते हैं मगर वो यूज़ नहीं करते सही तरह से एज ए इंस्पेक्शन वगैरह के। जो इंश्योरेंस कंपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर पेमेंट कर रही है एज अ वेंडर को पेमेंट कर रही है या इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कोई पे कर रही है कि वाकई में राइटफुल पर्सन या एक्चुअल में जो पेमेंट हुई है वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है जी। शुक्रिया। यही जो केसेस मुझे मिला था, टॉपिक मिला था फॉर द डिस्कशन, मैंने वो आपको समझा दिया। अगर कोई क्वेरी वगैरह होगी तो आप जो है नीचे कमेंट में जो है वो डाल दीजिएगा। शुक्रिया।